नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर 24 स्पेशल में। देखिए, सबसे खास बात यही है कि जिन 7 उम्मीदवारों को उतारा गया है उसमें अगर आप प्रवीण खंडेलवाल को लेंगे तो प्रवीण खंडेलवाल एक ऐसे शख्स हैं, और कई बार व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि उनको बहुत सारे लोगों का नाम याद रखता है। जैसे अगर आप साहिब सिंह वर्मा के बारे में जो लोग भी जानते हैं, तो पुराने नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि जैसे साहिब सिंह वर्मा को बहुत ज़्यादा अनुभव था और लोगों के नाम, वो हज़ारों हज़ार लोगों के नाम उनको याद थे। उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, लाखों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में अगर वो किसी को पहचानते तो उसका नाम लेकर बुलाते थे। कुछ ऐसा ही गुण प्रवीण खंडेलवाल का है, चांदनी चौक उम्मीदवार बीजेपी के। लेकिन मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूँ, अगर उनके व्यापारी नेता होने के अनुभव को छोड़ दें तो अगर आप बाकी उम्मीदवारों को देखेंगे, यानी साफ तौर पर वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत पूर्व मेयर, योगेंद्र चंदौलिया नॉर्थ वेस्ट सीट से पूर्व मेयर, और साथ ही साथ ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा पूर्व मेयर, अब इन तीनों पूर्व मेयर को चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतार कर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? ये संदेश देना चाहती है कि अब किसी भी तरह की लॉबिंग, किसी तरह की पैरवी, किसी तरह की फरमाइश या फिर अपने चहेते को टिकट देना, ये सब नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ चलेगा तो नाम नहीं बल्कि काम चलेगा, उसके पीछे का जनाधार और वोट बैंक चलेगा, जो बूथ को मजबूत कर सकते हैं वो चलेंगे। और यही वजह है कि आपने देखा कि तीन पूर्व मेयर को उन्होंने लोकसभा की उम्मीदवारी से उतार दिया। अब ये प्रदेश महामंत्री का पद, जाहिर सी बात है, अगर क्या होगा, ये चुनाव जीतेंगे या आखिर क्या परिणाम होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन संकेत ज़रूर मिलता है इस वक्त जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया उससे साफ तौर पर एक मैसेजिंग है, एक संदेश है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो लगातार बरसों बरस संगठन में, राजनीतिक सत्ता में कई तरह से उन्होंने काम किया। अब आप जरा इन तीनों, कमलजीत सहरावत को लीजिए, हर्ष मल्होत्रा और साथ ही साथ योगेंद्र चंदौलिया को लीजिए, इन तीनों को राजनीतिक सत्ता का अनुभव है, यानी ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, काम आती है, और ख़ासकर तब जब 2022 से पहले तक दिल्ली नगर निगम में 15 सालों तक एमसीडी का शासन रहा, तब यह जो है मेयर भी रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अपने अपने इलाके से पार्षद भी रह चुके हैं, और साफ तौर पर जो भी अड़चन आती है, उस वक्त मौजूदा जो है केंद्र में सरकार तो बीजेपी की ही है, लेकिन साफ तौर पर जब बीजेपी का शासन था एमसीडी में, तब कुछ वक्त तक केंद्र में कांग्रेस का शासन रहा, और जाहिर तौर पर अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये मैसेजिंग क्या कुछ परिणाम लाती है। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से 2022 के एमसीडी के चुनाव में दिल्ली नगर निगम की सत्ता से बेदखल हुई है, दरअसल इन मेयर्स को, पूर्व मेयर्स को उतार करके ऐसा लगता है कि बीजेपी ये चाहती है कि अमूमन एमसीडी के 250 वार्ड, जो कि एक बड़ा क्षेत्रफल है, लोगों के बहुत बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के डेथ सर्टिफिकेट और फैक्ट्री लाइसेंस से लेकर करके हेल्थ के तमाम इश्यूज और प्राइमरी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें दरअसल जुड़ी हुई हैं दिल्ली नगर निगम से। और अब जब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 134 से ज़्यादा पार्षद हैं, बीजेपी के 104 से ज़्यादा पार्षद हैं, तो साफ तौर पर इन पूर्व मेयर्स को चुनाव में उतार करके बीजेपी ये साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ताओं को, पार्षदों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगर ये उम्मीदवार जीत जाते हैं जो कि पूर्व मेयर हैं, तो जाहिर तौर पर ये काम करवाना जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी से बात करेंगे और अपने तरीके से इलाके का विकास करेंगे। तो क्या 2025 में बीजेपी की दिल्ली सरकार में सत्ता की वापसी ये तीनों पूर्व मेयर करा सकेंगे? और जाहिर तौर पर यह इसका जवाब जो है वो भविष्य के गर्भ में है, और मुझे लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम इस जो मेरी बात या जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है इस पर मुहर लगाएगा। तो इंतज़ार कीजिए परिणाम तक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।